अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है हेल्थ। तो सबसे पहले समझेंगे कि हेल्थ है क्या। देखिए, हेल्थ की मैं आपको एक मीनिंग बताऊं तो यहाँ पे मैंने दो मीनिंग लिखी है। ठीक, अभी इसका क्यों लिखी है इसको मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन हेल्थ का मतलब होता है जब आप फिजिकली, मेंटल और सोशली जब आप अच्छे होते हैं तो हम कहेंगे कोई भी पर्सन की हेल्थ अच्छी है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल जो आज अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं वो हेल्थ की गलत मीनिंग सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हेल्थ का मतलब होता है जिसको डिजीज नहीं है, ठीक है, जो बिल्कुल बीमार नहीं होता वो बंदा अच्छा है और उसे हम हेल्दी पर्सन कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हेल्दी हेल्थ या फिर हेल्दी पर्सन वो होता है जो फिजिकली, मेंटली और सोशली अच्छा होता है। ठीक है, तो हेल्थ का असली मीनिंग ये वाला है, ना कि ये वाला। ठीक है, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, WHO कहती है कि हेल्थ की असली मीनिंग ये वाली होगी, ना कि ये। ठीक है, और WHO के अकॉर्डिंग मैंने सेम इसकी मीनिंग भी लिखी है, और इसकी मीनिंग भी जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर समझाया वही सेम मीनिंग ये भी है। एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ अ कंप्लीट फिजिकल, ठीक, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। मीनिंग WHO की यही कह रही है कि हेल्थ का मतलब जब आप फिजिकली, मेंटली और सोशली अच्छे रहेंगे, ना कि तब जब आपके पास कोई डिजीज नहीं है, उसे हम कहते हैं हेल्थ। ठीक है, होपफुली आपने इसे समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं, अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये टॉपिक है हेल्थ, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मतलब ऐसी क्या चीज आती है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो देखिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, ठीक है, आपके डॉक्टर अंकल आ जाएंगे, और आपकी प्यारी प्यारी नर्स जी आ जाएंगी, और इसके साथ साथ जो भी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे बेड, आप जो पेशेंट बेड में लेटा रहता है, ठीक है, मशीन जो यूज़ की जाती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने और तीन पॉइंट लिखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको समझना है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन इंडिकेटर फॉर हेल्थ प्रोविजन एंड मैकेनिज्म ऑफ अ कंट्री। देखिए, आपका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये एक तरीके का इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब ये एक चीज को बताता है। वो क्या चीज बताता है? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी हेल्थ प्रोविजन कितनी है, और कंट्री में मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है उसका इंडिकेटर है। मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चीज को बताता है। कैसे? देखो, आप ये प्रोविजन और मैकेनिज्म का ये मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि भाई हमारे कंट्री में जो पीपल पेशेंट्स हैं, बेसिकली जो सिक पीपल है, वो उनका क्या अच्छे से ट्रीटमेंट हो पा रहा है कि नहीं, डॉक्टर की तो कमी नहीं पड़ रही है, और जितनी भी मशीन वशीन है वो सब अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आ जाती है हेल्थ प्रोविजन एंड मैकेनिज्म ऑफ कंट्री के अंदर, और ये हमें तभी पता चलता है जब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही बताता है कि ये सारी चीज़ें का क्या हाल है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है हेल्थ इक्वल्स टू ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट। देखो, जो आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो हमेशा आपकी कंट्री, आपके नेशन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमेशा यूजफुल रहता है। ठीक है, और जो हेल्थ है ना, ये एक पर्सन की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट का आपने पहले ही पढ़ के रखा है। ठीक है, तो एक बार मैं सारी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। हेल्थ मतलब जब आप फिजिकली, मेंटली और सोशली अच्छे होंगे तब हम उस पर्सन को हेल्दी कहेंगे, या जिस उसके पास हेल्थ है, ना कि जिसके पास सिर्फ डिजीज नहीं है। तो हम ऐसे टाइप के, या मतलब इस मीनिंग को हम हेल्थ की मीनिंग नहीं बोल सकते। ये WHO ने कहा है, उसकी यहाँ पे मीनिंग दी गई है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स, ये सारी चीज़ें और इक्विपमेंट्स जो होते हैं, वो सारी चीज़ें आती है। ये आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से इंडिकेटर है हेल्थ प्रोविजन मैकेनिज्म ऑफ अ कंट्री। ये बताता है कि कंट्री की क्या सिचुएशन चल रही है। हेल्थ जो है वो आपके नेशन, या फिर आप कंट्री कह सकते हो, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
या फिर बहुत अच्छा एक रोल निभाता है, और हेल्थ जो है एक पर्सन के एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, होपफुली आज आपने इतना समझ लिया होगा। अगली लेक्चर्स में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, आपको नोट्स हमारी वेबसाइट में अवेलेबल मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए, बाय।